ओम शांति। आज की तारीख है 23/11/20 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं अगर डबल सिरताज बनना है और इस दुनिया में होने वाली सभी बीमारियों से मुक्त होना है तो क्या करना होगा। आइए सुनते हैं। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है बाप के सन्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए। ध्यान से सुने सभी। उत्तर है जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सन्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते कि ये बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे कि तुमने ये किसको लाया है। जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। गीत बजा है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। धारणा के लिए मुख्य सार के दो गीता के महावाक्य। नंबर 1 रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है कि बाबा हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं। ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है और याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। नंबर 2 पांच विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। अथाह खुशी में रहना है। ज्ञान डांस करनी है और क्लास में सुस्ती नहीं फैलानी है। खुद सुस्त बने तो वायुमंडल भी ऐसा कर दें। बाबा कहते नहीं। वरदान सतगुरु बाबा का त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प बोल वह कर्म करने के पहले चेक करना कि ये व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है। समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसीलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान शान और साधनों का ये तीनों का त्याग ही महान त्याग है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे नूरे रत्न श्याम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति माता पिता बाप दादा का याद दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।